स्वागत है आपका अपने YouTube ब्लॉग में। और मेरा नाम है चंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है चंदन संध्या ब्लॉग। और इस वक्त हम हैं किल्ली के पास एक गांव में, और यहां पर आज हमारे मित्रों ने प्लान किया था दाल बाटी का। तो यहां पर मंदिर के परिसर में हम लोगों ने दाल बाटी का प्रोग्राम रखा था, तो वही तैयारियाँ चल रही हैं और हम आ चुके हैं। हमारे दोस्त भी सब आ गए हैं, तो आपको दिखाते हैं चल के। इसमें हम पहले आए थे, यहाँ पर मंदिर के दर्शन किया था हम लोगों ने और यहाँ पर मछलियों को देखा था तालाब में। उसी जगह पर आए हुए हैं, पीछे वो तालाब है दिख रहा होगा आपको, और वहाँ पे मछलियाँ चुगा रहे हैं सब लोग, उसको लाई खिला रहे हैं मछली को। और अब हम जा रहे हैं वहाँ सामने, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो अब हम आ गए हैं सामने और आप देख सकते हैं यहाँ सभी लोग, गाँव के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, जो लोग दाल बाटी को बना लेते हैं। यह दाल बन रही है सामने, दाल बन रही है और हम लोग इस दाल को देख रहे हैं। यहाँ मैटर ये हो गया है कि जो भगोना है वह थोड़ा छोटा पड़ गया है, दाल ज़्यादा है भगोना छोटा पड़ गया है। जब ये खोल रही है तो इसमें से ऊपर निकल रही है। अब तैयारी की जा रही है एक नए भगोने को लाने की, क्योंकि ये दाल इसमें नहीं बन पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आटा मारा जा रहा है। बाटी बनने का तरीका कुछ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था कि बाटी कैसे बनती है। आज पता चला है कि बाटी में थोड़ा सा रवा भी मिलाया जाता है, तभी बाटी अंदर से थोड़ी मुलायम रहती है। नहीं तो अगर रवा नहीं मिलेगा तो ये ठोस हो जाएगी। तो बाटी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इधर दाल बन चुकी है, पक रही है और अब भगोना बड़ा लाया जाएगा, उसमें पलटी जाएगी और बाद में इसमें छौंका लगाया जाएगा। दाल में 6 तरीके की दालों को मिलाया गया है, केवल एक दाल नहीं है अरहर की। वैसे हम लोग जब सड़क पे ठेलों पर खाने जाते हैं तो वहाँ पर एक अरहर की दाल दी जाती है, लेकिन यहाँ पर 6 तरीके की दालें मिली हुई हैं। तो तैयारियाँ चल रही हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी हमारे मित्र हैं और सामने वहाँ बैठ के मछलियों को दाना खिला रहे हैं वहाँ बैठे। तो अभी तैयारियाँ चल रही हैं, तब तक देखते हैं और क्या होता है। और अब ये आटा मरने लगा है, दाल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। उधर कंडों को रखा जा रहा है, जो गाय के गोबर से कंडे बनते हैं उनको जलाया जाएगा और उनके ऊपर बाटी को रखा जाएगा सेंकने के लिए। जब कंडे पूरी तरीके से जल जाते हैं तो उसकी आँच पर बाटी को सेंका जाता है। और इधर भाई आटा मार रहे हैं, ये आटा बन मर जाएगा पूरी तरीके से। इस आटे में इन्होंने रवे को मिलाया है, जीरा मिलाया है और थोड़ा सा नमक मिलाया है। ये लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं दोस्त कि हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए। और तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, आग भी जल चुकी है, दाल में छौंका लगाया जा रहा है। भगोना बड़ा वाला ले आए हैं तो उससे अब दाल में छौंका लगा रहे हैं और दाल भी पूरी तरीके से पक चुकी है। अब बस तैयारी है खाने की, कुछ ही देर में छौंका लगने के बाद में उधर बाटी सिकना तैयार हो जाएगी और कुछ ही देर में हम लोग खाएंगे दाल बाटी। तो ये देखिए बाटी सेकी जा रही है। बाटी बनाने के बाद ये लड्डू जैसे बना लेते हैं गोल गोल, और इनको इस आग के ऊपर रख दिया जाएगा। एक व्यक्ति बैठे बैठे इसको धीरे धीरे पलटता रहेगा और पूरी तरीके से इसको सेंक लेगा। सेंकने के बाद जलती हुई आग को, इसी कंडे की आग को, इसके ऊपर से ढक दिया जाएगा, जो कि इसमें गर्म हो जाएगी पूरी तरीके से। अब ये भाई जो बैठे हुए हैं ये इसको धीरे धीरे सेंकते रहेंगे, और जब ये बाटी इधर सेक जाएगी तो इसी कंडे की आग को इसके ऊपर से रख दिया जाएगा, जिससे कि ये पूरी तरीके से ऊपर और नीचे से गर्म हो जाए और अंदर तक सेक जाए। ये भाई बाटी को बना रहे हैं और बाटी दाल कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग गए हैं बैठ खाने के लिए, तो भाई उस सामने मेरा मित्र बच्चू भाई बैठे हुए हैं और उन्हीं की तरफ से ये पार्टी हम लोगों को दी गई थी। ये हमारे पचौरी भैया बैठे हैं, ये भी भोजन कर रहे हैं दाल बाटी का, पार्टी में और शामिल हैं। और नीचे बैठे हैं हम लोग, ये बैठा हूँ मैं, अंकित और मित्र हमारे संजीव। तो हम सभी लोग दाल बाटी के मज़े ले रहे हैं। बाटी को फोड़ के दाल में मिला लिया जाता है, मुझे नहीं पता था, मैं तो तोड़ तोड़ के खा रहा था। उन लोगों ने बताया कि इसका स्वाद अगर अच्छे से लेना है तो छोटे छोटे टुकड़े करके इस दाल में मिला दो। तो वही तरीका हमने अपनाया और छोटे छोटे टुकड़े किए और इस दाल में मिला दिया। दाल इतनी स्वादिष्ट बनी थी जिसका जवाब नहीं भाई। 6 दालें मिक्स करके बनाया गया, मसाले उसमें गर्मा गर्म डाले गए, गर्म मसाले बहुत अच्छे थे। और साथ ही साथ बाटी को वो लोग सेक रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने दो जगह आग को जलाया गया था, पहले इस आग पे सेंका गया फिर दूसरी आग में ढक दिया गया। तो भाई दाल बाटी के पूरे मज़े हम लोगों ने ले लिए और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए चलते हैं एक नए ब्लॉग में, फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। ठीक है, धन्यवाद आपका। आ जाओ बेटा, तुम भी बैठ जाओ।